बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है एमसीक्यूज़ के हवाले से, और आइए हम इसको देख लेते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैं आपको ओबियसली इसमें बताऊंगा नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर बता दिया, ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको सारे को आप 40 एमसीक्यूज़ हैं टोटल, और इसको आप सारे को गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज़, तो ये क्या होता है, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी या कैपिटल? तो आंसर इज़ एन एक्सपेंस। तो आपने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 करके सीक्वेंस दें, और उसके बाद उसके आगे जैसे 1 का ए आंसर है तो आप उसके सामने ए लिखते हैं। इस तरह बी जो है, जो दूसरा होगा उसका जो बी है, सी है, डी है, ए है, कौन सा है, वो आप सामने लिख दीजिए। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, एक्सीडेंट या फ्लक्चुएशन, या परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिमिनिशन इन द क्वालिटी। डिमिनिशन का मतलब होता है रिड्यूस होना किसी चीज़ का, डिमिनिशन इन द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी आर द वैल्यू ऑफ एन एसेट, उसे एप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक्सीडेंट या फ्लक्चुएशन कहते हैं, क्या कहते हैं वो आ जाएगा। विच वन इज एन इंटरनल कॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेसेंस, या बोथ बी एंड सी। एंड डेप्रिसिएशन विच अकर ड्यू टू सर्टन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज इज नोन एज इंटरनल, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शंस, या नन ऑफ दीज। द फिजिकल डेटरेशन इन द एसेट ड्यू टू यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड डेप्लिशन, ऑब्सोलेसेंस, वेयर एंड टेयर, एंड एक्सीडेंट, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ द प्रोडक्शन। ये माइन है, माइन क्वेरी एटसेट्राज, फ्लक्स ऑफ टाइम उसको कहेंगे, वेयर एंड टेयर कहेंगे, डिप्लीशन कहेंगे, ऑब्सोलेसेंस कहेंगे, ये अकॉर्डिंगली आपने इसको कर लेना है। उसके बाद विच वन इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इनमें से एक्सटर्नल कॉज कौन सा है वो आप बताएंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन हैबिट और टेस्ट ऑफ द पीपल, वो कौन सा है इनमें से वो आप बताएंगे। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट देन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगी, मे बी मोर, मे बी लेस, नो चेंज, मे बी मोर आर लेस। According to the provisions of the company's ordinance 1984, dividend cannot be declared without appreciation, depreciation, replacement of an asset, all of these. तो ये आपने बताना है। Depreciation क्या है? Reduces, क्या करता है? Reduces the productivity of asset, reduces the value of an asset, it is a regular loss, all of these. Depreciation is charged on fixed asset, current asset, liquid asset, all assets, all of these. And depreciation is charged against expense, revenue, liability, capital. Depreciation may be ascertained exactly in case of leasehold property, machinery. Exact amount आएगी depreciation की किस case में? Depreciation of an asset should not exceed, किससे exceed नहीं करना चाहिए, उसकी original cost से बढ़ना नहीं चाहिए, depreciable value से नहीं बढ़ना चाहिए, market price से या scrap value से। We should not deduct the amount of the depreciation from capital, fixed account, fixed asset, cash, liability, the decrease in the value of intangible asset। एक होता है tangible asset, उस पर जो decrease होता है उसे तो depreciation कहते हैं, लेकिन जो intangible होता है उसे क्या कहते हैं, amortization, appreciation, depreciation या depletion, ये आपने बताना है। Value of an asset at the end of the working life of an asset is called original cost, book value, scrap value, or market price, or market value. All expenses involved in carrying and installing the asset to the site is deducted from the cost of asset, added to the cost of an asset, deducted from the sale of an asset, and added to the sale of an asset. ये आपने पीछे question किया है, उसके accordingly आपको पता होगा। The period during which the asset will help in earning the income of the business is termed as consumed life, expired life, exhausted life, working life. The decrease in the value of trade mark, copyright, patent right, etc. is termed as amortization, appreciation, depreciation, and depletion. The decrease in the value of the mines and the curies is termed as amortization, appreciation, depreciation, depletion. The term depreciation is used with reference to the tangible asset, intangible asset, current asset, fixed asset, your change in the shape of an asset due to the friction, movement, etc. is known as accident, wear and tear, obsolescence, or flux of time. Decrease in the value of an asset on account of the sheer passage of time is known as accident, wear and tear, obsolescence, or flux of time. If loss on account of the depreciation is not considered, add the year and the profit would be less, more, no change, none. Depreciation is caused of, किससे cause होता है ये बताइए, which one of the following asset is to be appreciated in value, कौन सा इसमें से depreciate नहीं करता, appreciate करता है, वो आप इसमें से बताएंगे। उसके बाद जी, स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल, ब्रेकअप वैल्यू, बोथ एनवी एंड मार्केट वैल्यू। उसके बाद इन
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, किस पे कैलकुलेट होता है ये आपने इनमें से बताना है कि किस पे कैलकुलेट होता है। और आखिरी जो है वो ये हैं, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज एवरी ईयर, इंक्रीजेज एवरी ईयर, रिमेंस कॉन्स्टेंट नन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज, कौन सा इसका नाम है वो आप बताएंगे, और रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट या डिमिनिशिंग या ऑल ऑफ दीज। ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है सपोज द कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास इतनी, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम हो तो उसकी बुक वैल्यू एसेट की 2 साल के बाद कितनी होगी, ये 2 साल के बाद बुक वैल्यू पूछ रहा है तो आपने बताना है यहाँ से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज अ सूटेबल फॉर दोज एसेट विच हैव लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, एवरेज लाइफ, टेम्प्रेरी लाइफ। विच मेथड इज यूज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉर ग्रांटिंग द डेप्रिसिएशन अलाउंस टू टैक्स पेयर्स, कौन सा मेथड वो यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो डेबिट होती है किसको, कौन से अकाउंट को, वो आपने बताना है। विच वन इज टेंजिबल, टेंजिबल होता है जिसको आप छू सकते हो, तो कौन सा इसमें से टेंजिबल है। उसके बाद है जी विच वन इज अ वेस्टिंग एसेट, इसमें से वेस्टिंग एसेट आपको क्या लगता है वेस्टिंग एसेट कौन सा है। वेस्टिंग एसेट ऐसे एसेट होता है जो कि यूज करते हैं के बाद उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। विच वन इज इनटेंजिबल एसेट, इनमें से इनटेंजिबल एसेट्स कौन सा है, इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते हो, जो फिजिकल नहीं होते हैं, तो वो कौन से हैं, यहाँ से आपने बताना है। तो ये थी एक वीडियो, अगर इसको आप पॉज करके ध्यान से इसको पढ़ लें और पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर में आ चुके हुए हैं, और जनरली भी ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को ये सपोर्ट करेंगे। बस ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।